हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवानी है। आज आपके सामने मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट मैं लूँगी हाइलुरोनिक एसिड क्रीम। इट्स अ जेल बेस्ड क्रीम, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर। फाउंडेशन के लिए मैं एले गर्ल फाउंडेशन और मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एले गर्ल का फाउंडेशन जो है वो थोड़ा लाइट है मेरे शेड से, इसलिए मैं दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ। फाउंडेशन मिक्स करके लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक अलग सा ही टेक्स्चर ऐड कर देता है आपके फेस पर। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं पैक 265 का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर, शेड है सैंड। इट्स अ वेरी क्रीमी कंसीलर, इजिली ब्लेंडेबल। कंसीलर मैं वहीं अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना हो अपने फेस को, थोड़ा ब्राइट जैसा शो करना हो। आईब्रोज के लिए मैं नायका का टेका ब्रो आई ब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो शेड है बहुत डार्क है और बहुत ही पाउडरी जैसा लगा मुझे, तो मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया ये प्रोडक्ट। जिनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हों, बहुत ज़्यादा डेंस हों, वो आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब मैं मेबलिन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ लाइट मीडियम शेड में। मैं पूरे फेस को नहीं बेक करूँगी, मैं सिर्फ अंडर आई में और आईज़ के ऊपर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लोई लुक चाहिए। ब्लश के लिए मैं पिक्सी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। क्रीम ब्लश है ये, जेल बेस्ड ब्लश है, शेड है फ्लश्ड। अब इस ब्लश को मैं सेट करूँगी नायका के ब्लश डुओ के साथ, शेड है मालिबू बाबी। इससे ब्लश जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं अपने चिक्स पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, पिक्सी का हाइलाइटर। एक्चुअली मुझे यहाँ पे छोटा सा पिंपल हुआ था, तो मैंने उसको भी हाईलाइट कर दिया, बट अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसको हाईलाइट ना करो, क्योंकि उसके बाद जो है आपका पिंपल जो है बहुत ज़्यादा शो होगा आपके फेस पे, एकदम से हाइलाइटर की तरह, जैसे आप हाईलाइट कर रहा है आपका फेस, वैसे पिंपल जो है वो बहुत ज़्यादा शो होगा। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। बाय द वे, आई एम सो सॉरी अबाउट द लाइटनिंग, क्योंकि मैंने ये वीडियो शाम को शूट किया है और मैंने नेचुरल लाइट में ही शूट किया है, बट कभी एकदम से कैमरा जो है वो लाइट दिखा रहा था और कभी एकदम से डार्क दिखा दे रहा था। आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड पैलेट। मैं लाइट पिंक सा शेड ऐड कर रही हूँ अपनी आईज पे। उसके बाद मैं थोड़ा शिमरी सा शेड यूज़ करूँगी। आप प्लीज़ अपनी फिंगर को यूज़ करना, मैं ब्रश से एक्सपेरिमेंट कर रही थी बट नहीं, इतना अच्छे से नहीं लगा जितना फिंगर्स के साथ में जो है ग्लिटर जो है वो अच्छे से लग गया था।
मेबलिन का टैटू आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, लाइनर अपनी आईज़ को लाइन करने के लिए। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ, शेड है सनसेट। ये बहुत लाइट शेड है इसलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा दूसरे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगी, बट बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ब्लेंड करने की, बहुत ही लाइट शेड है ये। अब मैं मेबलिन का सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। माइग्लैम की लिट मैट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड है स्लो फेड। काजल मैं के बाय कैटरीना का यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी देसी ग्लैम लुक जो है वो काजल के बिना पूरा होता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और वीडियोस भी अपलोड कर पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना।